बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद कई बॉलीवुड सेलेब्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कई सेलेब्स को सरकार का ये फैसला सराहनीय लगा तो कई सेलेब्स ने इसका विरोध भी किया। इन सेलेब्स में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर का नाम भी शामिल है, जिन्होंने एक टीवी चैनल में अपनी राय रखी और उन्हें ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा। आखिर सोनम ने कश्मीर के मुद्दे पर क्या कहा था? दरअसल बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि अभी चुप रहना बेहतर होगा और इसे बीत जाने दें, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। मुझे लगता है हमारे देश 70 साल पहले एक ही देश हुआ करते थे और अभी जिस तरह की डिवाइसिव पॉलिटिक्स है वह काफी निराशाजनक है। वहीं उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर कहा था कि उन्हें इस मसले की पूरी और सही जानकारी नहीं है, इसलिए पूरी तरह से इसे समझने के बाद ही वे इस पर कुछ कह सकती हैं। इस बयान पर सोनम कपूर काफी ट्रोल हो रही हैं। इसके बाद सोनम ने एक ट्वीट के जरिए उन्हें ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया। सोनम ने कहा, अरे बस कीजिए, जाकर के अपनी जिंदगी जियो, दूसरा क्या कहना चाहता है उस पर गौर कीजिए फिर कहिए, किसने क्या कहा उस पर रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है, किसे क्या समझ आया रिफ्लेक्शन वहाँ दिखता है। वहीं सोनम कपूर ने अपने इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान की ओर से भारतीय फिल्मों पर बैन लगाने का मुद्दा भी उठाया, साथ ही अपनी फिल्म नीरजा को पाकिस्तान में बैन करने को दुखद बताया था। उन्होंने बताया कि यह मेरे लिए दुखद था कि फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था। बता दें कि फिल्म नीरजा के लिए सोनम कपूर को स्पेशल मेंशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।